मिस हयात, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में तो आप तलाक लेना चाहती थी। यकीन कीजिए मेरा, जो आपने तलाक नहीं ली, मैं उस बात पर बेहद खुश हूँ। आप मजीद खुश हो सकते हैं, पहले उन्हें बाहर निकाल लें। कहाँ से निकालना है? वो अंदर ही हैं, वो तीनों। अभी जाता हूँ। हयात, ये वकील है या गधा? इसे यही नहीं पता कि निकाला कैसे जाए। कहाँ से उठाकर लाई हो इसे? हयात, मुझे तो लगता है इसे खुद मदद की जरूरत है। अब जो भी है यही है, मैं और किसी को नहीं जानती। दिन कितना लंबा हो गया, घड़ी रुक गई। बहुत मुश्किल वक्त है। मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना, मैं निबट लूंगा उससे। आपको अकेला कैसे छोड़ देते? तुम लोग भी रुक नहीं सकते थे क्या? भाई ठीक तो है ना? दर्द ज्यादा हो रहा है। मौसम भी ठंडा है और इस मौसम में दर्द ज्यादा होगा। करीम तुम तो बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मुझे सर में दर्द हो रहा है। क्या करूं, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये एमरे हमसे चाहता क्या है? यही तो पता नहीं चलता कोई चाहता क्या है। मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। चलो अब तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। आ जाएं। मुराद साहब सलमाज बोले, आप यहीं रुकें। ये क्यों रुकेंगे यहाँ? हमारे पास सिर्फ इन्हीं की कंप्लेन दर्ज हुई है। वो कौन होता है कंप्लेन करने वाला? पहल तो उसी ने की थी। करीम ठीक है, तुम लोग चले जाओ। एक सेकंड बात सुनिए, हम अकेले किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है मैं भी यहीं रहूंगा। आप दरवाजा खोलें बस। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाहर चलें। एक मिनट करीम, बाहर चल के एमरे से बात करते हैं ताकि भाई को बाहर निकाल सके। चलो जल्दी आओ। तुम फिक्र नहीं करना। Get well soon, दुरुग साहब। आज अपनी मोहब्बत का पता चला मुझे। अंदर रहकर भी बस तुम्हारा ही ख्याल था मुझे। अंदर आपको सिर्फ एक घंटा हुआ है। अरे मुराद कहाँ है? वो अंदर ही है अभी। वो क्यों? एमरे ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट की है। वो वकील कहाँ है? वो आ गए। हेलो, कैसे हैं आप? वकील साहब, भाई का क्या हुआ? माजरत चाहता हूँ, मुराद साहब को अभी रिलीज नहीं किया गया। इसकी वजह? दूसरी पार्टी ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। हमें उसे बाहर निकालना होगा। खुद जाकर बात करते हैं। इसे देखो ये क्या कर रहा है, कौन है ये और हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, अपने काम से काम रखो। अरे कहाँ जा रहे हो ऐसे? करीम पता नहीं ये आदमी मेरे भाई से क्या चाहता है, जरा मैं पूछूं इससे। करीम तुम इधर ही रहना, तुम अपनी कंप्लेन इसी वक्त वापस लोगे, अभी। लेकिन ऐसा क्यों करूंगा मैं हयात? हाँ, जो उसने किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी। उसका सबसे बड़ा मसला है गुस्सा, जो एक ना एक दिन तुम्हें भी दिखाएगा। तो मिलने दो ना सजा। तुम इस सबके खुद जिम्मेदार हो और तुम ये बात जानते हो। देखो हयात, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस बात करने गया था, हाथ उसने उठाया मुझ पर। मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। कंप्लेन वापस लो और निकल जाओ हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए। हयात, मुराद को सजा हो के रहेगी। अगर तुम चाहो तो सजा रुक सकती है, तुम्हारे कहने पर एक चांस तो दे ही सकता हूँ। बस तुमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दो, कंप्लेन वापस ले लूंगा मैं। और कितना मजीद गिरोगे तुम हमारी नजरों में? हाँ, इसे गिरना कहते हैं, ये तो पहली सीढ़ी है जो सिर्फ तुम तक जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम साथ होंगे। देखो रिलैक्स हो जाओ दुरुग। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं? रुको, अपनी कंप्लेन वापस लो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे छोटे भाई हौसला रखो, मैंने अपना फैसला बता दिया है, मैं कंप्लेन वापस ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा चलता हूँ।
तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये तुमसे क्या बात कर रहा था? उसने कहा है कि मैं तुम लोगों को पागल कर दूंगा।